शेयर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज देखिए, यहाँ पे अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन है यहाँ पे दबा लीजिए, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए वीडियोस की। आज का जो स्टॉक है उसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, और आइए इसके वेबसाइट पर हम एक जल्दी जल्दी नज़र मार लेते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द संवर्धना मदरसन ग्रुप, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 इन ज्वाइंट पार्टनरशिप विद सुमितोमो वायरिंग सिस्टम्स इन जापान। तो जो कंपनी है संवर्धना ग्रुप की है और ज्वाइंट वेंचर में ये काम करती है जापान की कंपनी के साथ, इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरीज एंड JVS इज वन ऑफ द लीडिंग मैनुफैक्चर ऑफ द ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेसेस मिरर फॉर पैसेंजर कार्स एंड अ लीडिंग सप्लायर ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट्स एंड मॉडल्स टू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ये क्या करती है, ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड कंपनी, उसके वायर सिस्टम, जितने भी मिरर, छोटे छोटे लाइट्स, ये सब जो कार में या जितने भी ऑटो सेक्टर की गाड़ियाँ होती हैं उन सब में इसके जो है छोटे छोटे पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं। तो हम और भी प्रोडक्ट, एक सेकेंड, हम ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या जनरली है इन पर। आइए ये देखिए, इट्स ब्रॉड बिजनेस पोर्टफोलियो इंक्लूड्स वायरिंग हार्नेसेस मिरर फॉर पैसेंजर कार इंजेक्शन मॉडल प्रोडक्ट्स मॉडल्स इंक्लूडिंग डैशबोर्ड्स डोर ट्रिम्स बम्पर्स ब्लो मॉडल कंपोनेंट्स लिक्विड सिलिकॉन रबर मॉडल कंपोनेंट्स इंजेक्शन मॉल्डिंग टूल्स एक्सट्रूडेड रबर प्रोडक्ट्स प्रिसीजन मशीन मेटल कंपोनेंट्स एंड वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम्स। तो जितने प्रोडक्ट्स हैं सब आपने देख लिया कि ऑटो सेक्टर, वो ऑटो इंसिलरी सेक्टर की कंपनी है, और इसका भविष्य आगे इसलिए कि देखिए, कार या जो ऑटो सेक्टर के जो गाड़ियां हैं, या फिर जब भी हमारे भारत में जिस प्रकार से हर यूथ की, हर घर आदमी चाहता है कि हमारे दरवाजे पे एक गाड़ी खड़ी रहे भैया, तो मेट्रो सिटीज़ में तो चलो ठीक है कि लोग अभी इतने इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और लोगों को पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में जिस हिसाब से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी और ओला ऊबर ये सब चल रहे हैं, तो लोग अवॉइड करें कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक एक घर में तीन तीन चार चार गाड़ियाँ हों, या फिर जो लोग चाहते हैं कि यार हमें बस ज़्यादा सफ़र नहीं करना होता, हम ऑटो या ओला ऊबर कुछ करके भी टैक्सीज हायर करके जा सकते हैं, तो वो मेट्रो सिटीज़ में उतना क्रेज़ नहीं रहेगा। लेकिन अभी भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत जनसंख्या है, और हर इंसान चाहता है कि उसके दरवाजे पे एक कार हो। तो अभी बहुत लोगों के पास कार नहीं, मैं एग्जैक्ट रेशो तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन सबका सपना है। अब देखिए, एक कहावत है, इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो छोटे शहरों में, छोटे गाँव में बड़ा सपना रहता था कि भाई हमारी शादी हो तो हमको दहेज में कार, गाड़ी एटलीस्ट फोर व्हीलर तो मिले ही, हालांकि ये गलत धारणा है और दहेज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो जो ये मानसिकता है, तो इसका मतलब है कि चलो अपनी कमाई से ही लोग खरीदेंगे, लेकिन अंततः वो चाहेंगे कि उनके पास खुद की एक कार हो। अब कार में क्या होने वाला भविष्य में, कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनका बाज़ार आने वाला है। तो जब बाज़ार आने वाला, तो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जो इनके वायरिंग वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगती ही लगती हैं, तो इसकी डिमांड ज़बरदस्त भयानक रहेगी। अभी ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, अभी इसकी डिमांड है आने वाले 10-15 सालों में। तो ये ज़बरदस्त कंपनी है, और इसके जिस मैंने पूरी वेबसाइट पढ़ी, और आप भी वेबसाइट पर विज़िट करिए, आप जानिए इसके बारे में और भी जानिएगा, तो ज़बरदस्त है। और चलिए इसके मैं फंडामेंटल्स दिखाता हूँ और कुछ रिटर्न्स भी पीछे के दिखाऊंगा। कि हालांकि देखिए, रिटर्न्स का क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि कुछ कंपनीज़ ने अगर 4-5 सालों से अच्छा नहीं कर रही हैं तो आगे अच्छा नहीं करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, 10 सालों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। बातें आगे की ओर, मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड 29 मार्च 2019 को जो ट्रेड हुआ था, लास्ट प्राइस थी क्लोजिंग किसकी, 149.25 रुपये, और 52-वीक लो बनाया था इसने एक साल का 127 रुपये, और हाई था 239.67 रुपये। तो अभी हाई से तो काफ़ी नीचे है ये, और ये देखिए सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं कि बाय कर लीजिए 87%, 10% कह रहे हैं कि बेच दीजिए, और 3% कह रहे हैं कि होल्ड इट। एक लार्ज कैप कंपनी है, 47,132 करोड़ की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 5.45 रुपये, और पी देखिए 27.39 का है, और इंडस्ट्री पी 53 का, इससे काफ़ी कम है, अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक है 3.67 की, हल्की सी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं।
फेस वैल्यू एक की डिलीवरेबल है 33.34 की परसेंट और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अब मेरा जो रुझान है इस पे देखने के कर्जा बैलेंस शीट पे हम जाते हैं तो टोटल डेट है इस पे 1104 करोड़ का कर्जा है इन पे। तो इतनी बड़ी कंपनी है तो ये कर्जा इतना इन लोग के लिए बहुत मायने नहीं रखता, फिर भी कर्जा तो कर्जा है। देखिए गुड क्वालिटी कंपनी है, सेल्स ग्रोथ है 16.33% की, EBIT ग्रोथ है 17.77% की और अभी ये फिलहाल ये फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। जो आज का प्राइस है पी रेशियो हम देख ही चुके हैं, ROCE इसका 17.04% की, ROE है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.11% की, थोड़ा सा कम है लग रहा है मुझे और फाइनेंशियल ट्रेंड फ्लैट है। अब रिटर्न्स में आते हैं, देखिए रिटर्न्स में देखिए 10 सालों में इसने 1723% का रिटर्न दिया है जो कि एक नो डाउट ज़बरदस्त रिटर्न है और 5 सालों में 101% का है और 4 सालों में 6% का है, 3 सालों में 36% का है, 2 साल से 12% के नेगेटिव है और 1 साल में भी 28% का नेगेटिव, ईयर टिल डेट 10% के नेगेटिव, 6 मंथ्स में 12% का नेगेटिव, 3 मंथ्स में 8% का नेगेटिव, 1 मंथ में 7% करीब नेगेटिव, 1 वीक में अपसाइड दिखा रहा है यहाँ से 2% की अपसाइड है, 1 डे में भी 2.5% के आसपास करीब अपसाइड दिखा रहा। अब देखिए दिसंबर 17 से दिसंबर 18 के जो रिजल्ट्स हैं ईयर टू ईयर ग्रोथ इन क्वार्टर एंडेड दिसंबर 18 इज 13.75% वर्सेस 33.30% इन दिसंबर 17। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं नेट सेल्स में देखिए 13.75%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 10% की अपसाइड है, तो जो 13 नेट सेल्स में भी यहाँ बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ बढ़ा था और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है 6.74% की यहाँ पे अपसाइड है और OPM में जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 0.32% का थोड़ा सा नेगेटिव है, इन नेगेटिव में आया है OPM। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए शेयर होल्डिंग में 61% की इनकी होल्डिंग है एज इट इज़ है और यहाँ पे 3.64 मतलब करीब 4% की इन्होंने होल्डिंग गिरवी रखी हुई है और म्यूचुअल फंड्स की 23 स्कीम्स हैं, FIIs की 495 स्कीम में पैसे लगा रखे और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है ICICI पोटेंशियल ग्रोथ फंड सीरीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 8% के करीब। तो ये देखिए डिविडेंड इसने पे किया था 2.25 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2018 में और मदरसन सुमी सिस्टम हाउस है सुमी मदरसन 1986 से ये काम कर रही है। फ्रेंड्स मैं इसमें एक चीज़ अच्छी चीज़ और बताने वाला हूँ आप लोगों को, देखिए बोनस चार्ट पे आ गया हूँ मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के, कि ये कंपनी आपको ज़बरदस्त बोनस भी देती है। सॉरी ये देखिए 97 से इसके बोनस का जो चार्ट दिखा रहा है यहाँ से देना शुरू किया है तो यहाँ से कंटिन्यू दे दिए, 17 में भी दिया, 18 में भी दिया, 2018 में भी दिया, 17 में दिया, 2015 में भी दिया, 2013 में भी दिया, 2012 में भी दिया, 2007 में भी दिया, 2005 और 1997। रेशियो क्या था, जिसके पास 2 एग्जिस्टिंग शेयर थे उसको एक और मिल गया एडिशनल, तो जिसके पास 200 शेयर थे उसके 300 शेयर हो गए, जिसके पास 2 शेयर थे उसके पास 300, तो इस रेशियो से इन्होंने डिविडेंड पे किया, वो सॉरी बोनस जो है दिया है, बोनस शेयर से उन्होंने इंक्लूड, तो प्राइस भी उस हिसाब से करेक्ट हो जाता है। तो कभी उस चीज़ को लेके आप संशय ना करें कि भाई रेट क्यों, वो करेक्ट करता है रेट, तो बोनस भी देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ कंपनियां, तो एक मैं वीडियो आपको बताऊंगा विप्रो का, एक मैंने पढ़ा था तो उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे बोनस की ताकत से अरबपति बन सकते हैं आप, तो वो देखिए वीडियो के वहाँ पे पॉपअप आएगा तो आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक तो ज़बरदस्त मदरसन सुमी सिस्टम्स ने 10 सालों में 1700 करीब आपको रिटर्न भी दिया है प्लस कंटिन्यूस देखिए पिछले 2 साल से तो बोनस भी दे रही है, तो एक तरफ आपके शेयर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको रिटर्न भी मिल रहा है प्लस डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, 2.25 रुपये का पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी है, तो कितना ज़्यादा देती है। अब इससे उम्मीद क्या करें, अब इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी जो है एक कंपनी इतना ज़बरदस्त देती है, तो क्या नहीं देती, डिविडेंड देती है, बोनस देती है, रिटर्न देती है, तो आने वाले समय में भी ये मदरसन सुमी सिस्टम एक ज़बरदस्त कंपनी, जिसने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, मैं अभी फिलहाल वहाँ तो जा नहीं सकता तो, लेकिन उन्होंने पूछा था तो मैं उन सज्जन को कहूँगा कि ज़रूर आप मदरसन सुमी सिस्टम्स में अगर चाहें तो आप एक ऑटो एंसिलरीज के सेक्टर में कुछ शेयर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपका बजट हो
ये प्रोडक्ट भी आप लेके डाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है और आप कुछ भी कोई भी शेयर लेने और बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।